ये देखें गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल ली भाई बाबू ने, वो भाग गया। ये देखें भाई वाइल्ड सफारी के अंदर बिल्कुल सामने गाड़ी के दरवाजे के बाहर इतना बड़ा राइनो पहली बार देखा भाई। वेलकम टू द बिगेस्ट वाइल्ड सफारी इन यूके। ये सारा इलेक्ट्रिकल है, करंट है इसमें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं जस्ट अभी उठा, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और रात को एडिट वगैरह करने के बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोया था, तो तकरीबन कोई नॉर्मल नींद हो गई, गुजारा हो गया। वेदर आज के जो है वो सनी है, यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं जब सनी वेदर होता है, इसको अच्छा कहते हैं। हम लोग कराची में बोलते हैं यार सनी वेदर है तो बुरा वेदर है, मतलब हम लोग गर्मी की वजह से, लेकिन यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये लोग बादलों से, बारिश से, सर्दी से बड़े परेशान है, तंग आए हुए, तो ये सीन है। और ये आपके भाई के जूसेस की जो है ना एक्सपेरिमेंट है, कलेक्शन है, ये जूसेस के अंदर गलती से प्रिंगल्स भी आ गया, लेकिन ये कि मैंने वैसे ही कल रात को ऐसे फारिक बैठा हुआ था ना एडिट के टाइम पे, वीडियो रेंडर हो रही थी, मैंने बोला कुछ ना कुछ कारीगरी करते हैं, इस तरीके से ऐसे ही सजा के रखा हुआ था, तो भाई ये है। लेकिन आज ये रूम की पूरी सफाई होने वाली है, जब वर्क स्टेशन होता है ना इसी तरीके से मैस्टअप हो जाता है सारा। आज के कपड़े निकाल लिए भाई, ये सोचा आज येलो पहन लेते हैं, और ये ट्राउजर लिया था ये अभी तक नहीं पहना था, तो ये दोनों चीज़ें आज पहन लेते हैं हम। सही है, रेडी हो गया मैं, कैसा लग रहा हूँ? ओके लग रहा हूँ बिल्कुल। चले भाईजान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया मैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी भूलने का नहीं है। सही है, और वो है जैकेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से? ठीक है। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का सफर स्टार्ट करते हैं। सफर स्टार्ट करते हैं भाई। आज के दिन का इंटरेस्टिंग पार्ट एक और ये भी है कि काफी सारे लोगों ने बोला था कि भाई इंग्लैंड में आप जो है वो कोई हॉन्टेड जगह को जाके जो है ना विजिट करें, तो हमारे पास एक ऐसा सीन था कि हमारे दोस्त ने कुछ देखा था एक जगह के ऊपर, वो क्या देखा था आज रात को हम उनको जो है ना उसी जगह पे लेके जाएंगे, उनकी याद ताजा भी करवाएंगे और उनसे कहानी भी पूछेंगे कि हुआ क्या था, तो रात को जो है ना तैयार रहिएगा, रात को हम लोग वहां पे चलने वाले। हाँ भाई, ये देखें आप लोग, लॉन्ग वीकेंड आया हुआ है, पूरी दुनिया भाईजान यहीं पे जमा हुई भी है, अच्छी खासी क्यू लगी हुई है, और ये बेसिकली यहाँ पे काफी सारे कैरावन पार्क होते हैं। सही है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, बल्कि मैं आप लोगों को अलग से लेके भी जाऊंगा एक जगह पे जहाँ पे कैरावन्स मिलते हैं, जो कैंपर वैन्स होती हैं, तो लोग वहाँ पे अपने कैरावन्स भी लेके जा रहे होते हैं और आराम से वीकेंड या लॉन्ग हॉलीडेज आती है ना तो एंजॉय करते हैं। भाई रास्ते में रुके हैं हम जरा गैस स्टेशन के ऊपर, तो सोचा कि कुछ हल्का फुल्का ले लें क्योंकि नाश्ता नहीं किया था। देखें यहाँ पे जो है ना इस तरह एनर्जी बार्स बड़े मिलते हैं ना, जैसे जिसके अंदर काफी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, यहाँ के लोग कुछ खाए ना खाए ये खा लेते हैं ना, तो इनकी गिजा मतलब इन्होंने अपनी गिजा के हिसाब से बनाया हुआ ये सारी चीजों को, कि अगर ये खा लिया ना भले कुछ नहीं खाया तो इनका गुजारा हो जाता है। ये देखिए ये एनर्जी बार बिल्कुल ऐसा है जैसे हलवा नहीं होता, इस तरह का टेस्ट में, लेकिन अच्छा। यूके की सबसे बड़ी टू डू लिस्ट के अंदर एक चीज थी मेरी, वाइल्ड सफारी। मुझे हमेशा से शौक है कि भाई वाइल्ड सफारी के अंदर बंदा जाए और जितने भी बड़े जानवर होते हैं उसके बीच में से आपकी गाड़ी गुजरती है, आहा क्या माहौल होता है, तो ये मेरा हमेशा से शौक था और मैंने इस दफा भी सोचा था कि भाई यहाँ पे कोई होगी तो करेंगे। तो अभी मैं जस्ट गूगल पे चेक कर रहा था तो लिवरपूल के ऊपर जो है ना एक सफारी है नोजली सफारी के नाम से, वहां पे हमने कॉल किया, बोले भाई कितने बजे तक ओपन है, तो उन्होंने बोला आप 3:30 बजे तक आ जाए लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा, तो आप बुकिंग वगैरह कर रहे हैं और इनशाला कोशिश यही है कि वहीं पे पहुंचते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू है, बस दुआ कीजिएगा टाइम पे पहुंच जाए तो आज हम आपको खतरनाक जानवरों के बीच में लेके जाएंगे वाइल्ड सफारी में। और ये मेरा ड्रीम कैंपर, ये देखें भाई सारी फैसिलिटीज होती हैं इसके अंदर, गाड़ी में लेके जा रहे हैं भाई अटैच करके, ये जाएंगे आराम से एक आधा दिन स्टे करेंगे इसके अंदर कहीं अच्छी खूबसूरत जगह पे, फिर वापस आएंगे। वो देखे सामने भी जा रहा है, इतने नजर आते हैं यहाँ पे तो समझ लेंगे कोई बड़ी बात है ही नहीं। बहुत लंबी ड्राइव के बाद ये देखें भाई नोजली सफारी पार्क आने वाला है, जस्ट कितनी देर में, 7 मिनट्स में सिर्फ आने वाला है भाई, सो एक्साइटेड भाई, सो एक्साइटेड। अंदर एंटर होने जा रहे हैं और यहाँ पे भी लिख के लगाया हुआ है इन लोगों ने कि ऑनलाइन बुकिंग ओनली, योर एडवेंचर स्टार्ट्स हियर। कौन कौन से जानवर आज हम देखने वाले हैं भैया, बहुत जो है ना जबरदस्त एडवेंचर वाला सीन लग रहा है भाई फुल। अब मेरे ख्याल से यहाँ आगे एंट्रेंस के ऊपर हमें जो है ना ऑनलाइन बुकिंग दिखानी पड़ेगी अपनी, यहाँ से एंट्रेंस है भाई। हम अंदर एंटर हो चुके हैं और पता नहीं ये क्या सीन है कि हम अपनी गाड़ी में ही जाएंगे या इनकी गाड़ियां लेके जाएंगी, ये मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये मैप इन्होंने दे दिया, ये चेक करें आप, इससे मुलाकात करवाएं आपकी टाइगर से, लायन से। अच्छा
इसकी आपको मैं टिकट के हवाले से बताऊं तो 40 पाउंड हमें पे किए दो बंदों के, विच इज वेरी रीजनेबल मेरे ख्याल से, ये जिस लेवल की एक्टिविटी, अब तो ये किस लेवल की है तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन ये कि 40 पाउंड इसके जो है मतलब 20 पाउंड एक बंदे के, ठीक है ना, ये सीन है। लेकिन गाड़ियां अच्छी खासी पार्किंग में लगी हुई है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अपनी गाड़ियों में लेके जाएंगे शायद, अपनी गाड़ियां। और ये सारे इन्होंने जो है ना स्टिकर्स दिए, ये सारे एनिमल्स जो है ना इस सफारी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई जो जो आप जानवर देखते जाए ना वो आप अपनी गाड़ी में स्टिकर स्टिकर चाहें तो लगा दें, ये सारे स्टिकर हैं। और ये है भाई खजाने का नक्शा, हमने खजाना ढूंढना, ये देखें असल सेटअप है, इधर जोन 10 में शेर घूम रहे हैं, सही है ना, बाकी तो जो है वो सारा सीन इधर चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सफर अल्लाह का नाम लेके, सही है भाई, अब तैयार हो जाए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट हो गया सिलसिला, ठीक है। ये है वाइल्ड सफारी यूके की सबसे बड़ी, और वो देखें सामने राइट साइड पे आपको जो है ना नजर आ रहे होंगे डिफरेंट हिरन वगैरह नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, वो देखें डेयर्स वगैरह का पोर्शन आ गया सबसे पहले राइट साइड पे, ठीक है, ये देखें, और इस तरफ भी जो है ना काफी सारे हिरन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये तो हो गया पहला पोर्शन। अब हम इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे हमें क्या मिलेगा, राइनो आगे, अच्छा ये देखें ये जेब्रा भी नजर आ गया भाई इधर, ये आ गए जेब्रा, इन्होंने इनकी जो है ना बाउंड्री के अंदर डाला हुआ है इनको, ये देखें ये देखें ये आ गए भाई जेब्रा, ठीक है, बहुत साफ सुथरी सफारी है यार, बेहतरीन है। दो जेब्रा है अंदर भाई, दो ज़ेब्रा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं मजीद, देखते हैं भाई आगे कौन कौन से जानवर हमें नजर आते हैं, और खतरनाक होने चाहिए थे यार जानवर, हाथी भी होना चाहिए था इसके अंदर, शेर तो बहुत सारे होने चाहिए, 100-150 शेर होने चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, डोंट गेट आउट ऑफ योर कार, लॉक योर डोर्स, क्लोज योर विंडोज, नो फीडिंग, आपने जानवरों को खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, वरना ऐसा ना हो कहीं आपको ही खा जाए। ये देखें भाई ये भी हिरन की किस्में हैं मजीद, ठीक है, ये हमारे राइट साइड के ऊपर देखें आप ऑस्ट्रिच आ गया, और भाई ये चेक करें राइनो भी आ गया यार, तीन तीन राइनो हैं यहाँ पे बड़े बड़े यार, ओहो बहुत ज़बरदस्त। चलिए फिर बाहर चल रहे हैं गाड़ी से मुलाकात करने के लिए इनसे, बताएं आप लोग, ये देखें भाई बहुत आला, और वहाँ पीछे देखें हिरन भी है, कितना मिलजुल के रह रहे हैं यार ये आपस में ना, बहुत मोहब्बत है यार इनके अंदर आपस में। अच्छा ये राइनोस के बारे में आपको एक अमेजिंग चीज़ बताऊं, वैसे देखने में भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत हैवी बहुत वेट वाला जानवर है, लेकिन इसका जो वज़न होता है ना 3 से 5 टन के दरमियान के भी राइनो होते हैं इसके अंदर, 3 से 5 टन, देखें अल्लाह की कैसी कुदरत है, क्या क्या कैसे कैसे मखलूक बने, कैसे कैसे जानवर बनाए। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे आपको लेके जाते हैं मजीद सफारी घुमाते हैं। ये चेक करें आप, ये है बोंगो, ये थोड़ा सा दूर है उसी तरफ घूम रहे हैं, देखें एक और भी जा रहा है आगे, ये देखें देखें हर जोन के अंदर एंट्री इस तरह होती है, गेट बना हुआ है जिस तरह जुरैसिक पार्क वाला सीन याद आ गया मुझे, जुरैसिक पार्क में देखा होगा ना आपने इस तरह की गेट्स बने हुए होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी जबरदस्त सफारी बनी हुई है यूके में, तो अफ्रीका के अंदर किस लेवल की सफारियां होती होंगी यार, जबरदस्त। अब देखें अब हमारे राइट साइड के ऊपर जो है ना इलैंड है, सही है, ये भी कोई हिरन की नस्ल होगी शायद, लेकिन इसका नाम है इलैंड, काफी सारी बैठी हुई, और साथ में जो है ना पीछे वो देखें दो राइनो भी इनके साथ बैठे हुए हैं। अब आ गए हैं हम भैया बबून्स वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें वो बैठा हुआ सामने एक। अब यहाँ पे बड़ी जो है ना एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये सम टाइम जो है ना थोड़ा मस्ती भी करते हैं, अटैक भी करते हैं, ठीक है, तो ये सीन है। अब हम यहाँ से अंदर जा रहे ये देखें भाई बबून्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, अच्छा सामने जो है ना गाड़ियों के ऊपर भी चढ़ गए हैं, वो देखें गाड़ियों के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और उस तरफ भी गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो देखें सामने, ये बहुत शरारती होते हैं भाई, ये बहुत शरारती होते हैं इस पोर्शन के अंदर तो स्पेशली बोलते हैं ये लोग कि आपने शीशा बिल्कुल भी नीचे नहीं करना और आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये देखें भाई बबून्स आ गए गाड़ी के ऊपर, सही है ना, गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गए, वो बड़ा वाला भी आगे बैठा हुआ है, छोटे बच्चे ऊपर छत के ऊपर चिपके हुए, ये चेक करें। ओ भाई ये आ गया हमारी गाड़ी के ऊपर बबून, हाँ भाई क्या हाल है, बैठ गया भाई,
और ये बड़ा बबून है, अगर यहाँ से शीशा खोला ना मैंने, ओए हो इसने अंदर आ जाना है। ये देंगे भाई, बबून आ गया बिल्कुल। लेकिन भाई हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हम तो खुद सुबह नाश्ते का एक बिस्किट खा के निकले हुए हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई साहब। और ये वैसे भी यहाँ पे जो है ना फीड नहीं करना चाहिए इनको ना, क्योंकि ये तो जो है ना हमें गाड़ी से उतार के खुद चले जाएंगे गाड़ी में। ऐसे ही भाई ये साइड ग्लास के ऊपर बैठा हुआ है, चलो इसको झूला खिलाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं गाड़ी यूं, क्योंकि यहाँ पे बबून जो है ना काफी गाड़ियों के ऊपर राइड ले रहे हैं, ऊपर बैठे हुए होते हैं आराम से, गाड़ियां चल रही होती हैं ये ऊपर बैठे हुए होते हैं आराम से। ये देखें भाई, वो एक उतरा ना तो ये दूसरा छोटा वाला आके बैठ गया, वो देखें, और वो बराबर वाली गाड़ी के ऊपर भी बैठे हुए बबून से। यार ये बड़ा मस्त माहौल है, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा इसी एरिया में स्टे किया हुआ है लोगों ने, लोगों का भी यहाँ से जाने का दिल नहीं करा क्योंकि सही दिल लगाया हुआ है भाई बबून ने यहाँ पे लोगों का। हमारी गाड़ी से बबून को इतनी मोहब्बत थी कि ये देखें तोहफा छोड़ के गया है गाड़ी के ऊपर। देखिए भाई शरारतें देखें आप, बबून की गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल ली है, अब जो है ना उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट कौन लेगा उससे जाके, जरा रोकेगा यहाँ पे। ये देखें गाड़ी की नंबर प्लेट निकाल ली भाई बबून, वो भाग गया। और इस तरफ देखें कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं बबून के, ये देखें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अलग गार्डन में चिल कर रहे हैं ये, वाह भाई खेल रहे हैं। ये देखें भाई ये जो हिरन है ना ये बड़े प्यारे होते हैं यार, यहाँ पे बहुत सारे हैं, अभी बिल्कुल रोड क्रॉस करके गए थे यहाँ से बिल्कुल सामने से, पीछे तो आपको जो है ना इनकी बड़ी वाली नस्ल नजर आ रही है, लेकिन ये वाले जो हिरन है ना ये वाला ये बड़ा प्यारा है। एंटर हो रहे हैं, ये देखें ये जो ग्रिल लगी हुई है और ये जितनी सिक्योरिटी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लायन का जो पोर्शन है ना वो ये वाला है, लग तो ऐसे ही रहा है, बंदे जाके देखते हैं जरा। ये देखें ये इनकी बसेस हैं, अगर आप अपनी गाड़ी छोड़ के और बस में जाना चाह रहे हैं ना तो आप इसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। हाँ ये मुझे लग रहा है लायन का सीन है पूरा। वार्निंग भी लिखी है, इफ लार्ज एनिमल्स अप्रोच ड्राइव ऑन, आपने रुकना नहीं है और घबराना नहीं है, आपने चलते रहना है। उधर भी हिरन है सीधे हाथ पे बहुत सारे, ओए होए भाई ये तो बहुत ही कोई जाइंट किस्म का जानवर है, बाइसन है। और ये देखें अंदर तीन तीन बैठे हुए, वो देखें बल्कि चार चार हैं, ये बता रहे हैं मतीन भाई कि ये लोग खाते भी हैं इसको भाई, लेकिन यार बहुत बड़ा है साइज के अंदर, मतलब हमारे जो जानवर हैं जैसे गाय बैल वगैरह होते हैं ना ये उनसे बहुत बड़ा है साइज में, ओहो। और ये देखें इसी पोर्शन के अंदर जो है ना ये वाले हिरन भी हैं, ये डॉट डॉट्स वाले जो हिरन होते हैं ना कितने सारे हैं आप देखें, कितनी सारी हिरनों की नस्लें ऐसी हैं, एक से बढ़ के एक प्यारी नस्ल के जानवर हैं माशाल्लाह, कितने सारे हैं देखें, ये बिल्कुल इस पोर्शन के अंदर सारे जमा हुए हैं, ये और ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। फिर आप इसके अंदर देखें वो सफेद हिरन भी आपको नजर आ रहे होंगे पीछे, बिल्कुल बहुत जबरदस्त हिरन तो बहुत ज्यादा देखे हमने यहाँ पे इस पूरी वाइल्ड सफारी के अंदर भाई। पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत ग्रीनरी है, बहुत जंगलात है, मैं तो ये कहता हूँ कि यकीन करें अगर पाकिस्तान में इस तरह की वाइल्ड सफारी बन जाए ना, ओहो पीपल गोना लव इट, सही है बहुत लोगों को पसंद आएगा ये आइडिया भी, और बस सेफ एंड सिक्योर हो, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, सारे जानवर हैं या नहीं तो प्राइवेट भी बनाई जा सकती है, सारे जानवर जो है वो इंपोर्ट करके इसके बाद बहुत अच्छी वाइल्ड सफारी बनाई जा सकती है, क्या मंजर होगा उसका यार पाकिस्तान के अंदर अगर ये बन जाए तो। यहाँ पे देखें बैठा हुआ एक मूस, सही है छुप के बैठा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे ताकि किसी को पता ना चले सब गुजर जाए, ये देखें, लेकिन हमारे S21 अल्ट्रा का जूम पकड़ लेता है सबको भाई सबको। लुक आउट लायंस अहेड, अब आया है भाई लायंस वाला सीन, जंगल के बादशाह का टाइम आ गया अभी। ये लायन का जो एरिया स्टार्ट हो रहा है ये इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ी के सारे शीशे आपके दरवाजे और सारी चीजें बंद है, आपने सनरूफ वगैरह तो नहीं खोल के रखा हुआ, ऐसा ना हो ना कि फिर लायन आके अंदर ही बैठ जाए यहाँ से ऊपर आके जो है ना पीछे ही बैठ जाए यहाँ पे। चले भाई चले चले चले, पहला लायन कहाँ नजर आने वाला है हमको यार, वैसे अभी ये एरिया खाली नजर आ रहा है सही है, लेकिन लायन होने चाहिए थे ज्यादा, इतने लायन होते जितने हिरन थे। साउंड योर हॉर्न फॉर असिस्टेंस भाई, ये देखें अगर कोई मसला हो जाए ना तो आपने हॉर्न बजा देना है गाड़ी रोक के, सही है तो आपके पास हेल्प आ जाएगी, अगर कोई समटाइम्स कोई एनिमल्स अप्रोच कर दें तो यहाँ पे ये सीन होता है। वो बैठा हुआ है भाई एक ऊपर बैठा हुआ, वो रहा ये देखें भाई ये एक जो है ना लायन ऊपर नजर आ गया, और ये देखें बबर शेर ये नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे रश लगा हुआ है गाड़ियों का, आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि यहाँ पे और कितने लायन हैं, और भी एक दो और नजर आ रहे हैं। ये चेक करें भाई लायन वाला हिस्सा भी आ गया, ये एक ऊपर लायन बैठा हुआ है, एक नीचे बैठा हुआ है,
फिर यहाँ पे और लाइन बैठे हुए देखे, बबर शेर बैठा हुआ है भाई, पूरा सीन है। ये है असल पोर्शन आने जैसा। लेकिन चार पांच है यहाँ पे, इनको तकरीबन जो है ना 20-30 तो रखने चाहिए थे। ये देखे भाई, शेर वाले एरिया से हम जैसे ही बाहर आए ना, तो यहाँ पे लेफ्ट पे याक है, ठीक है। और ये याक जो है आप देखें, ये सबसे जाइंट यही है। ये भी बाइसन टाइप की चीज है, लेकिन ये कि ये थोड़ी सी, बाइसन बहुत हैवी था लेकिन ये थोड़े से कम है। और आप देखें इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा खतरनाक है। फिर बाल है, नीचे तक पूरे बाल हैं इनके, बड़े बड़े सिंग है भाई। चलें भाई चलें, इतनी मेहमान नवाजी ठीक है याक की। और अब हमारे राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कैमल आ गए हैं। और ये कितने मतलब बालों वाले कैमल है, हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होते, अलग अलग जगहों के अलग अलग कैमल्स होते हैं। देखें सामने और भी खड़े हुए, वो देखें कितने कितने बाल हैं गर्दन के नीचे, आप देख रहे हैं कितने बाल हैं। ये भी तकरीबन 5-6 यहाँ पे खड़े हुए हैं, पानी वानी पी रहे हैं भाई। ये शायद हो सकता है डिफरेंट जो है ना क्लाइमेट के होंगे, शायद सर्दियों वाली जगह के होंगे। और ये यहाँ पे जो है वो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, सही है। हल्का फुल्का देखते हैं, अगर कुछ यहाँ पे हलाल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आराम से कहीं और पहुँच के किसी और सिटी में करीब में, या तो फिर नॉटिंघम पहुँच के ही कुछ खाएंगे। और पीछे जो है ना बच्चों के राइड्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी बड़ा रश लगा हुआ है हॉलीडेज की वजह से। अब आप ये चेक करें, ये जो बराबर में ये जा रहा है ना पूरा ट्रक, इसके अंदर घोड़े जा रहे हैं, और कितना बेहतरीन बनाया हुआ है इसे। ये स्पेशली घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जिस तरह यहाँ पे पिकनिक के लिए इन्होंने अपने कारवान बनाए होते हैं, इनका बड़ा बेस्ट क्वालिटी का बना होता है घोड़ों का। भाई कैसा लगी आप लोगों को सफारी, अच्छी लगी? मेरी तो भाई हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं सफारी में जाऊं, और आज मैं चला गया, तो होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय, क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस होता है यार, मतलब नई चीज देखने को मिलती है कि हाँ भाई सफारी का ये सीन है, ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा तो और भी, ये देखें भाई कारवान फिर जा रहे हैं। एक तो ये कारवान जब बराबर में से निकलते हैं ना, कारवान जो होते हैं भाई, भाई मेरा दिल ललचा जाता है पूरा। तो अब रास्ता हमारा 2 घंटे का है, वापस नॉटिंघम जा रहे हैं, खाना कुछ नहीं खाया है, वहां पर जाके खाना खाएंगे, तब तक टाइम होता है एक नैप का। तो भाई ये सीट लिटाई हमने, सही है, और आराम करते हैं, और एक नैप लेने के बाद मिलते हैं। भाई हम लोग पहुंच गए हैं नॉटिंघम वापस, ठीक है, अच्छी खासी नींद भी कर ली है मैंने। और अब जो है वो पहले नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद जो है वो कुछ खाने का सीन करते हैं, सही है भाई। चलें भाई अंदर चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद बिल्कुल बंदा जो है ना फ्रेश हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये है कि अब नमाज पढ़ने के बाद एक भाई ने हमें 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इनवाइट किया था, बोला था आपने हमारे रेस्टोरेंट पे आके खाना खाना है, तो इनका रेस्टोरेंट जो है ना इस मस्जिद के पास ही है। तो आज हम सोच रहे हैं कि इनकी दावत के ऊपर इनके पास जाते हैं, और जो है वो इनके साथ खाना खाते हैं इंशाल्लाह इनके रेस्टोरेंट पे। और क्या क्या है जरा जाके आपको भी, और क्या क्या है इनके रेस्टोरेंट में जरा आपको भी चेक कराते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हॉरर वाले सीन पे चलना है या नहीं चलना भाई, चलना है ना, बस स्टे ट्यून्ड। ये है भाई रेस्टोरेंट नोमीज, और यहाँ पे तवा भी है, और लिखा हुआ है केटरिंग वगैरह भी है, पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है। और भाई यहाँ पे तो अंदर जो है ना फुल अपना वाला सेटअप है, ये लैम्ब कढ़ाई भी है यहाँ पे, सही। ये तवा चिकन है, इसके बाद पे चिकन अचारी है, वो चिकन कढ़ाई है, चने की दाल भी है। और अब हम देखते हैं कि इसमें से जो उनका स्पेशल होता है ना वो हम ट्राई करेंगे। भाई ये आ गया अपना खाना, अभी भाई इसको ओपन करेंगे। वाह भाई ये क्या, ये पूरा वो प्लेटर टाइप होता है कुछ? अच्छा भाई सबसे पहले हम ट्राई करने जा रहे हैं ये तवा चिकन, सही है, जो इनका सबसे स्पेशल आइटम मुझे लग रहा है भाई, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तो अच्छा चिकन तवा, काफी आपकी चीजें सबसे बेस्ट क्या लगता है ये देखिए, असल ये सब चीजें नहीं होती थी बिल्कुल ऐसे है। ये है भाई चिकन टिक्का, चिकन टिक्का काफी उसके बाद है। ये है चिकन सीख कबाब, ये आ गया वैक्सीन भी है 50% हम सबको हो चुका है किसी ना किसी फॉर्म में। खाना बहुत अच्छा हमारी है, लैम कढ़ाई की, ये आ गया भाई लैम। लोकल आउटब्रेक्स होती है वो तो चलती जाती है, तो कोई मिले के किसी के बहनों को मार जाते नहीं है ना किसी से। आपने मूवी देखी लैम कढ़ाई, ज्यादा अच्छी लगी भाई कंटेजियन मूवी है, सबसे बेस्ट मुझे इसके अंदर लगी लैम कढ़ाई। भजन खाना तो बहुत अच्छा था, और हमने बड़ा इंजॉय किया, लैम कढ़ाई बहुत अच्छी थी। और अब जो है ना घर पे जाके थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बराबर वाली गली के अंदर घर है,
और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसके बाद फिर निकलते हैं आपको ख़तरनाक हॉन्टेड जगह के ऊपर लेके जंगलों के अंदर। और ये देख रहे हैं आप लोग, मंज़र देख रहे हैं, ये मंज़र इट्सेल्फ जो है ना एक बड़ा हॉन्टेड सा मंज़र नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि जितनी भी हॉरर मूवीज़ होती है ना उसमें इसी तरीके के घर होते हैं, सही है, और ऐसे ही किसी एक घर के अंदर कोई सीन होता है। खैर एनीवेज हम जा रहे हैं उस जगह के लिए, निकलने चले हैं, आप लोग साथ चलें। भाई ये रास्ता आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट है बस, और आगे पीछे सारा जंगल है। अब यहाँ पे ये देखिए लाइट बंद हुई ना एक सेकंड के लिए, तो कुछ भी नहीं है, देख ले कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हमारे काशिफ भाई के साथ क्या हुआ था ना, ये हमारे काशिफ भाई की कहानी हम उनकी अपनी जबानी सुनेंगे अभी, ठीक है, और कहाँ हुआ था वहाँ जाके सुनेंगे। फाइन बोल ना, हाँ इससे आगे बस यहाँ पे सीन ये हुआ था कि हम लोग आ रहे थे रात के तकरीबन 1:15 का टाइम था, सही, तो रोड के बीच जो है ना वो एक कबूतर बैठा हुआ था, सही है, तो हमारी जो नजर थी वो कबूतर पे थी, सही, लेकिन कबूतर की जो नजर थी ना वो सामने जो ना एक व्हाइट कलर की चीज पे थी। अच्छा, वो व्हाइट कलर की जो चीज थी ना वो कोई चीज वीज नहीं थी, वो लेडी खातून थी कोई। अच्छा, और वो इसी रोड पे, मतलब आप बता रहे हैं इसी रोड पे, जैसे ही वो जो है ना कबूतर, हम गाड़ी जो हमारी गाड़ी जो है कबूतर के पास पहुंची है, और उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद कबूतर जो है हमारी विंड स्क्रीन के पास ऐसे आया, जैसे ही कबूतर हमारी विंड स्क्रीन के पास आया और वो औरत ने जो है व्हाइट कलर का था ना बिल्कुल, उसने जो है ना वो रोड क्रॉस करके गायब हो गई। अच्छा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल सामने से गुजरी आपके गाड़ी के। जी जी। अच्छा, उस वक्त क्या कैफियत थी जरा एक्सप्लेन करें ना। उस वक्त हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी उस वक्त, तो फिर हम वापसी आए। अच्छा, टर्न किया आपने गाड़ी, हम टर्न करके वापसी आए, लेकिन हमें उस रोड पे दोबारा ना कबूतर दिखाई दिया और ना ही जो है ना मैं वो कोई खातून जो भी थी व्हाइट कलर की थी वो। अच्छा, कोई नजर नहीं आया। वैसे देखें ये तो चीज है, लोग भी कमेंट के ऊपर ये बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड है ना वो मोस्ट हॉन्टेड कंट्री में आता है। तो अच्छा, और भी जो है वो लोगों के साथ आपने सुना होगा कि इस तरह के कुछ और सीन हुए हैं, और अभी इस अभी आपको लेके भी जाएंगे एक दो जगह में आज या कल में अगर टाइम मिला इंशाल्लाह। सही। अच्छा देखें, ये तो इस रोड के ऊपर जो है ना एक वाकया हुआ था इनके साथ, ठीक है, अब एक और सीन जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे भी हुआ था, वो क्या हुआ था वो वहाँ पे पहुंच के आपको सुनाएंगे काशिफ भाई की जबान से। ये देख रहे हैं डबल इंडिकेटर गाड़ी के जो है वो जल रहे हैं, और क्या मतलब मंजर है ये, तो आप लोगों ने किसी हॉरर मूवी में भी नहीं देखा होगा ये जो अभी मंजर नजर आ रहा है। वो देख रहे हैं आप लोग, पूरा अंधेरा है और एक घर नजर आ रहा है आपको इस जंगल के अंदर। ये देखें, ये रास्ता है, ये पूरा जंगल है और इसके अंदर देखें एक घर नजर आ रहा है। ये देखें, हम खुफिया रास्ता आपके लिए बना रहे हैं सिर्फ जाने के लिए आगे तक। ये कॉन्स पड़े हुए थे यहाँ पे, ठीक है, इनको हटाया है ताकि हम लोग आगे पास हो सकें और अंधेरा चेक करें आप लोग। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी हॉरर स्टोरी आप लोगों को मैंने कभी जो है ना कराची में बना के दी होगी। और ये देखें सन्नाटा, उफ, चलें बैठते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब हम लोग जो है ना उस जगह पे आ गए हैं, ठीक है, आगे पीछे देख लें आप लोग, अंधेरा इतना है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जंगल है, ठीक है। और यहाँ पे काशिफ भाई के साथ जो है ना एक सीन हुआ था, रमजानों की बात है, और हाँ उसी का रमजान का डे था वो। हाँ सही है, रमजानों के बीच की तारीख थी, तो मैं यहाँ पे आया था, सही है, तरावी पढ़ के, सही, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि वो आ रहे थे रास्ते में कहीं ऑटो टाउन से आ रहे थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप वेट करें हम आ रहे हैं, तो उनका ये रूम वगैरह है यहाँ पे ना, सही, ऑफिस वगैरह है, रूम है, तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं तो आप जो ना यहाँ पे वेट कर लें। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैं उनके ऑफिस के ऑफिस में आके, क्योंकि ऑफिस में ऑफिस ओपन ही था, कोड होता है, तो मैं उनके ऑफिस में आके सही वेट करने लग गया। सही। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, आई थिंक टाइम जो था तकरीबन 1:30 के टाइम था सुबह। अच्छा, रात का। सही है, तो मैंने जो है ना मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की आवाज़ें आ रही। सही। तो मैं पहली दफ़ा तो आराम से, मैंने शायद मेरा वहम होगा, सही है, तो मैंने ना इग्नोर कर दिया ना। सही है। सही है, और फिर मैंने अपना फ़ोन यूज़ करने लग गया, विद इन 2 मिनट्स के अंदर जो है ना मुझे दोबारा जो है ना आवाज़ आने लगी है। अच्छा। तो फिर मेरा थोड़ा सा जो है ना हालत ख़राब हुई, मैंने बोला ये क्या हो गया। और बच्चों के ऐसे नहीं कभी रो रहे हैं कभी हंस रहे हैं वो ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया जिनका मैं वेट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यार हम आप 5 मिनट्स में पहुँच जाएंगे, आप वेट करो ना। तो उस दौरान क्या हुआ, मैंने बोला कि यार आप ऐसा करते हैं कि जो है ना मैं थोड़े से ना जगह चेंज करके देखता हूँ, शायद जो है ना मुझे वहम ही लग रहा है। सही। तो मैं जो है ना वहम मैं अपने ऑफिस उनके ऑफिस से बाहर निकला, सही है, और जो है ना बाहर आया ना तो सामने जंगल था ना, सही, तो मैं जंगल की तरफ जाता हूँ, तो शायद रोशनी थी उस तरफ,
तो वहाँ पे जो है ना ऐसा ऐसा लगा कि मेरे पीछे ना कोई मुझे फॉलो कर रहा है। अच्छा सही है। तो फिर तो जारी बात है हालत बहुत ज्यादा, क्योंकि क्योंकि रात के टाइम तो ऑफिस टाइमिंग तो नहीं थी, तो क्योंकि वो जो दोस्त वगैरह आ रहे थे वो जो है ना ऑफिस से नजदीक ही थे, तो फिर मैंने उनको कॉल की, उन्होंने जब आया तो उन्होंने पहुंचा भाई, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है, होता है। सही सही सही। ये देखें यहाँ पे अब हमारी गाड़ी की जो है ना लाइट पड़ रही है, तो ये पूरा भाई जंगल आ गया। सही है ना। तो ये है भाई वो इलाका। और अक्सर आप लोग बोलते हैं, अक्सर आप लोग बोलते हैं कि भाईजान आप जो है ना उस जगह पे जाके जो है ना स्टोरी सुनाएं, तो आज हम यहाँ पे आ गए। तो यकीन करें मेरी हालत नहीं है ऐसी, और मुझे तो लग रहा है आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा जाके। मुझे इंशाल्लाह आपको जो है ना एक दो जो है ना जगह और दिखाएंगे नॉटिंघम के अंदर, जहाँ पे लोगों के साथ, तो हमने रियल के देखा है कि लोगों ने मुझे बताया भी है। सही है। उनसे मुस्तफा भाई की हम मुलाकात भी करवाएंगे। सही है। अपने हैं साथी हैं तो उनसे मुलाकात भी कराएंगे जिनके साथ ये हैपन हो चुका है, और उनको भी ऐसा लगा कि नॉटिंघम में वो कहीं गए हैं और जाके उन्होंने गाड़ी पार्क किया और गए हैं जंगल की तरफ ही गए हैं, क्योंकि वो जाहिर बात है वॉक करने के लिए गए हैं, तो उनको भी ऐसा लगा कि उनको पीछे से कोई क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर वो उन्होंने जो बताया, अब मुस्तफा भाई जब उनसे मुलाकात करेंगे तो उनकी जुबानी भी उनसे सुनेंगे। और वो जो वाकया इन्होंने बताया जब हम गाड़ी में आ रहे थे, कि मतलब गाड़ी के आगे से बिल्कुल औरत एक निकली थी और कबूतर उस औरत को देख रहे थे, मतलब वो भी बड़ा खतरनाक। हाँ, वो तो हमारे साथ तकरीबन जो है मेरे साथ दो 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 फ्रेंड और भी थे, दोस्त भी थे, तो हमने राउंड अबाउट से ना गाड़ी को फॉलो भी किया था कि हम वापसी जाके उनको देखते हैं, लेकिन जो है ना वो ऐसे ही थे कि उन्होंने रोड क्रॉस कर लिया था और गायब हो गए। और कबूतर भी जो है ना वो उसके बाद हमें नजर नहीं आया, रात के तकरीबन 1:30-2 का टाइम। चले भाई, तो ये थी एक स्टोरी टाइम। ये तो अभी एक है, अभी हमने और भी, मतलब यहाँ पे तो हर अगले बंदे के साथ जो है ना इस तरीके का कोई ना कोई सीन हुआ है, तो अब हम इंशाल्लाह आपको जो है ना और भी सीन सुनाएंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे सीन जमा किए हुए हमने, फिर सुनाएंगे। चले भाई अब हम चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमारे को क्रॉस कर ले यहाँ पे, और निकलते हैं।